दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एयरफोर्स वाई ग्रुप की, जो कि नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है, तो इसमें इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसको हम रागा के नाम से जानते हैं, RAGA, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें रीजनिंग भी होता है ना, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स भी होता है और साथ ही साथ GS भी होता है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों सब्जेक्ट से मिला करके 30 क्वेश्चन होते हैं, है ना। और वाई ग्रुप की जो टोटल जो एग्ज़ाम होती है वो टोटल 50 मार्क्स की होती है। इसमें जो आपका टाइम अलॉटेड होता है वो 45 मिनट्स होता है, जिसमें इंग्लिश में आपको 20 मिनट मिलते हैं और रागा के लिए आपको 25 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ध्यान रखना होता है। बेसिकली इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा SSC से रिलेटेड है ना, क्योंकि सिलेबस कुछ उसी तरीके का है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जिन बच्चों ने एक्स और वाई ग्रुप दोनों का एक साथ फॉर्म भरना है, वो दोनों का इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। तो जो बच्चे एक्स और वाई ग्रुप दोनों का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, उनके लिए 20 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 25 फिजिक्स, 25 मैथ्स और रागा 30 मार्क्स का, ठीक है। उनके लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा एंड टाइम अलॉटेड टू यू वुड बी 85 मिनट्स। तो यार, अब बात आती है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो आपको सिलेबस जानना है ना। तो एक बार आपने सिलेबस निकाल लिया एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से, है ना, CASB.NIC.IN के ऊपर आपको सिलेबस मिल जाएंगी, वहाँ से आप सिलेबस निकाल सकते हैं। उसके बाद सिलेबस जब आपने निकाल लिया तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल इज सिलेबस, द नेक्स्ट वन इज़ आपको कंसेप्ट क्लियर करना है ना। टॉपिक वाइज आपको एक एक चैप्टर्स पढ़ते जाने हैं, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेने हैं एक बार, जिससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो आगे जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये पता चलता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उसी तरीके से आपको आगे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस सेट्स जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ, वो आप गाइडर का ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट, है ना, अरिहंत का ले सकते हैं, प्रभात पब्लिकेशन है, अग्रवाल है, ये सारे प्रैक्टिस सेट्स बेस्ट हैं मार्केट में, ठीक है। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के लिए भी जा सकते हैं, दिस आर द प्रैक्टिस सेट ऑफ सब्जेक्ट वाइज फॉर एक्स ग्रुप, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। तो यार देखो, प्रिपरेशन करने का दो तरीका होता है, एक तो कि किसी से हेल्प लेकर के, मतलब टीचर्स के गाइडेंस में आप पढ़ सकते हो, और दूसरा सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपको टीचर्स की गाइडेंस चाहिए देन भी पीपल आर देयर टू हेल्प यू, है ना, टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम, टू हेल्प यू कंप्लीट योर गोल। एंड बी इफ यू आर पैशनेट अबाउट एक्स और वाई ग्रुप, देन यस, वी आर डेडिकेटेड फॉर यू, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू पीपल, सो दैट नो स्टोन इज लेफ्ट अनटर्न, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, है ना। और बेसिकली वी आर रनिंग बैच कोर्सेज, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। उसके लिए हम लोग बैच कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे चल रहा है। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसमें आपको NDA, एयरफोर्स XY और नेवी का कैटेगरी सेलेक्ट करना है और उसमें प्लस पे क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो एक तो सारे टॉप के एजुकेटर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, है ना, प्लस पे सिर्फ टॉप के एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, मतलब हर थर्ड सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, एंड इन माई केस एवरी सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्लास के स्टार्ट का 10 मिनट और लास्ट का 15 मिनट, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट्स पूछ सकते हो। ऊपर से प्रैक्टिस सेशन रेगुलर होती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म दैट यू आर गेटिंग, एंड यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम एनी वेयर, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, और द सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है ये 400 पर मंथ से स्टार्ट होती है। इफ़ यू गो फॉर लॉन्गर मंथ द प्राइस विल बी लेसर एंड लेसर। इसमें एक जादुई कोड है PRIYANK10, इसको जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना तो ये 4000 से रिड्यूस होकर के 3600 हो जाता है। और इससे भी अगर आपको रिड्यूस करवाना है तो आप पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।